हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप का हम आइकन कैसे बना सकते हैं। आजकल लाइन आर्ट आइकन बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है, इसीलिए हम लाइन आर्ट आइकन कैसे बना सकते हैं। यदि हम इस टाइप की इमेज डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद इस टाइप का इमेज कैसे बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नया पेज क्रिएट हो जाएगा। फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, एक ये दो इमेज मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस वाले इमेज पे काम करेंगे। यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम 50% ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ओके, उसके बाद यदि आप इसको लॉक करना चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, बट हम लॉक नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए पेन टूल, पेन टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका 0.5 ले लिया हमने। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखिए पेन टूल से पूरे का सिलेक्शन बनाना है हमें। एक क्लिक किया, यहाँ जहाँ तक जा सकता है यहाँ तक गया। देखिए, उसके बाद सीधा गया, इसको मोड़ना है। मोड़ने के लिए क्या करेंगे, अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके ऐसे टिल्ट करेंगे। देखिए, मुड़ गया। अभी ए नोट देखिए, आगे ऐसे मुड़ नहीं रहा है। हम इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। देखिए, अब मुड़ने लगा है, ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऑल्ट माउस लेफ्ट बटन। देखिए, जो सीधी लाइन है वो तो बन जाती है, उसके टिल्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे यहाँ पे आएगी। देखिए, ऐसे मोड़ दिया हमने, ऑल्ट माउस लेफ्ट बटन, फिर घुमाया, ऑल्ट माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया, फिर देखिए यहाँ पे गया। भाई यहाँ पे मोड़ा हमने, ऑल्ट माउस लेफ्ट बटन, देखिए ऑल्ट दबा के रखना है, ऐसे मोड़ दी, ऑल्ट दबा के रखना है, और जहाँ पे नोड है वहाँ पे जाके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। देखिए, नोड हट गया। उसके बाद देखिए, ठीक, उसके बाद हम वैसे जैसे हम कर रहे थे, देखिए ये हमारा इमेज जस्ट कंप्लीट हो गया। देखिए, ये हो गया, इस सर्कल लेते हैं, कंट्रोल दबाना है माउस का लेफ्ट बटन। कंट्रोल दबा के माउस का लेफ्ट बटन नहीं दबाया तो इस टाइप का सर्कल बनेगा। कंट्रोल दबा के सर्कल बनाएंगे तो एज इट इज सेम बनेगा। कुछ आइकन आपको फ्री में ऑनलाइन में मिल सकता है, बट कुछ आइकन बनाने पड़े तो आप कैसे बनाएंगे, इसीलिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। देखिए, ये बन गया, इसको हम पीछे वाले को साइड करेंगे। देखिए, अब इसमें यदि आपको कुछ नुक्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे लग रहा है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे गए, देखिए सेव टूल, इसको हम क्लिक करके डिलीट, यहाँ पे एक नोट बनाएंगे, यहाँ डिलीट, सॉरी डिलीट करने की ज़रूरत है नहीं है। देखिए, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, डिलीट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया, इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको हम कर देते हैं एक पीटी। और देखिए, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा फिल हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा हमें। देखिए, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कलर फिल हो गया। यदि और कोई कलर करना चाहे तो आप ये वाला कलर कर सकते हैं,
इसका भी देख लेते हैं हम क्या बना सकते, कैसे बना सकते हैं। वो ट्रांसपेरेंट पे गया है, ट्रांसपेरेंट कम किया, सर्कल बनाया, फिर वही चीज जैसे हमने स्टार्ट किया है, ऑल्ट दबाया, माउस लेफ्ट बटन के लिए उसको टिल्ट किया, देखिए मोड़ा, यहाँ से इतना मोड़ेंगे हम, ठीक है। आपको कलर समझ नहीं आ रहा तो हम राइट क्लिक करके इसका कलर रेड कर लेते हैं, देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए टेबल जैसे बना हुआ वैसे ही बनाएंगे, देखिए ये नहीं है, इसको हम भाई जैसे आपको बोला ऑल्ट माउस लेफ्ट बटन क्लिक करके मुड़ना है, बस ये भी कंप्लीट होने वाला हमारा। उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद देखिए टाई बनाएंगे, देखिए ये भी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना, जो बटन बने हैं वो भी तो बनाना पड़ेगा हमें, लेफ्ट साइड में हाथ ये भी बन गया, और एक ये बचा, ये बन गया हमारा। इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कहो कर देता है 1.5 PT, देखिए ये इमेज ऐसी थी, हमने इसको ऐसी बना ली, ठीक ये इमेज ऐसी थी हमने इसको ऐसी बना दी। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू।